हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो काफी सारा टाइम मुझको लगता है एयरटेल वोडाफोन को देखकर खराब लगता है। जिस तरह का एयरटेल जो जियो है, जियो का मोनोपोली चल रहा है मार्केट में, इसको देखकर थोड़ा सा खराब तो लगता है। बट आज के दिन में हालात काफी हद तक सुधर चुका है, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन का रिचार्ज देखेंगे काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। बट सेम टाइम अगर मुझको ये भी लगता है एयरटेल एंड वोडाफोन के लिए जियो ही सबसे अच्छा आंसर, क्योंकि ये लोगों ने जिस तरह का हरकतें करते हैं ना, इसके लिए जियो की तरह एक ऑपरेटर होना चाहिए मार्केट में, नहीं तो ये लोगों को ना जो चिंदगी ना बढ़ते रहेगा। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कुछ दिन पहले एयरटेल ने एयरटेल एंड वोडाफोन दोनों ने ही है एयरटेल एंड वोडाफोन का जो 49 रिचार्ज का था, ये रिचार्ज को बंद कर दिया था। 49 का रिचार्ज में क्या होता था, एक महीने के लिए आपको वैलिडिटी दिया जाता था, जिसके अंदर आप कॉल कर पाते थे, कुछ बैलेंस भी दिया जाता था 38 रुपीज के आसपास का, एंड इसमें जो है आप SMS भी भेज सकते थे। बट ये रिचार्ज को बंद कर दिया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे नहीं पा रहे इसके लिए आप बंद कर दिया। बट सेम टाइम एयरटेल एंड वोडाफोन का जो 79 का रिचार्ज था, ये रिचार्ज में थोड़ा चेंजेस किया गया। चेंजेस क्या है, 79 का रिचार्ज में जो आउटगोइंग SMS सर्विस है, इसको बंद कर दिया गया। मतलब आप जो SMS भेजते थे पहले ये रिचार्ज करने पर, ये सर्विस को बंद कर दिया गया। मतलब आप अभी आप SMS भेज नहीं सकते 79 रिचार्ज करने पर, आपको मिनिमम जो है 149 का रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है SMS भेज पाएंगे। एंड ये देखकर मुझको, ये रिचार्ज को देखकर जो है मुझको बवासीर लगता है, रिचार्ज कंप्लीट बवासीर है एयरटेल एंड वोडाफोन का। ये रिचार्ज है कोई काम का नहीं है रिचार्ज। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका काफी अच्छे से एग्जांपल दूंगा। एंड ये चीज को जो है ट्राई किस तरह से परमिशन देता है, मुझको याद नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आता है। ट्राई क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये काम हो रहा है, मुझको मतलब कंप्लीटली क्लियर नहीं होता है। मैं तो ऑब्वियसली एक कंप्लेंट तो करूंगा इसको रिगार्डिंग। मतलब ये जो बेसिक फीचर के अंदर था भाई SMS भेजना, ये चीज को ये लोगों ने बंद कर दिया भाई साहब। देखिए मतलब आप देखिएगा, आप एक 400-500 रुपया का आज के दिन में भी तो काफी फीचर फोन मिलता है, ये फोन ले लीजिएगा। मैं जो है 2011 साल से जो इस फोन यूज कर रहा हूँ, तब जो सैमसंग का नील डिस्प्ले आता था ना, वो वाला फोन मैं यूज करता था, तो उस टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ फोन। तो कोई भी फोन देख लीजिए फीचर फोन, उसमें जो है कॉल करने का अलावा जो है SMS भेजने का फीचर आपका फोन में रहता है। एंड SMS भेजना जो है एक टेलीकम्युनिकेशन का एक बेसिक नीड्स की अंदर आता है। बट ये चीज को एक रिचार्ज से हटा देना, मतलब जो रिचार्ज का कोई मायने ही नहीं रखता है, आप आधा उधरा एक रिचार्ज दे रहे हो। तो आपको अगर नहीं देना है तो कंप्लीट बंद कर दीजिए ना 79 का रिचार्ज। आपको नहीं दे पा रहे 79 का रिचार्ज मत दीजिए, एकदम करना है तो आप 149 का रिचार्ज कीजिए, नहीं तो आप पोर्ट करके और कोई ब्रांड के पास चला जाइए, मतलब और कोई ऑपरेटर के पास आप इस तरह से एक रिचार्ज बार कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अगर आप एक रिचार्ज दे रहे हो कॉल जो वैलिडिटी एक्सटेंशन का, तो उसके अंदर आपको जो है आपको देना पड़ेगा SMS सर्विस। एंड ये चीज जो एयरटेल वोडाफोन नहीं करते। जियो का 129 का एक सबसे लोअर वाला रिचार्ज है, उसमें आप SMS भेज सकते हैं, उसका नीचे जियो का कोई रिचार्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जियो भी इस तरह का हरकत करेगा तो जियो के अगेंस्ट भी हम लोग बोलेंगे। बट अभी एयरटेल वोडाफोन कर रहे हैं, तो इसलिए एयरटेल वोडाफोन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। एंड इससे जो है काफी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, देखिए सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग आज डिजिटल एरा में रहते हैं, आपको कोई जरूरी काम के लिए आप किसी को SMS भेजना है ये रिचार्ज से, तो आप नहीं भेज पाएंगे। एंड आज के दिन में काफी सारा लोग ऐसा रहता है जिसके पास जो है एक सिंगल सिम का फोन है। मेरा बाबा के पास ही जो है मेरा 79 का रिचार्ज करते हैं, काफी सारा टाइम SMS भेजना पड़ता है, तो ये नहीं हो पाएगा अभी ये रिचार्ज से। तो देखिए किस तरह का प्रॉब्लम ये लोगों ने क्रिएट किया। जिस लोगों को 149 के रिचार्ज जरूरी नहीं है, अनलिमिटेड कॉल जरूरी नहीं है, उसको ये रिचार्ज करना पड़ेगा, उसका बाद जो है जाकर SMS भेज पाएंगे। तो किस तरह का एक बेहुदा हरकत है देखिए। इसको छोड़कर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करते हैं। काफी सारे लोगों को क्या होता है आज के दिन में, मैं भी डुअल सिम यूज करता हूँ, जिसमें एक सिम में मेरा अनलिमिटेड कॉल रहता है, इसके अंदर जो है SMS सर्विस सब कुछ देखने को मिलता है, और एक जो रिचार्ज रहता है, ये रिचार्ज में हम लोगों को क्या होता है, जस्ट एक रिचार्ज करके रख देते हैं, जस्ट ये एक्टिव रहने पर। एंड मेरा साथ क्या होता है, मेरा जो सेकेंडरी सिम है जिसमें मैं नॉर्मली रिचार्ज करके रख देता हूँ, जो अभी एयरटेल का सिम है, इसमें जो है मेरा हर एक बैंकिंग एक्टिविटीज होते रहते हैं। मतलब मेरा UPI जो है, बैंकिंग जो है, सब कुछ इसमें चलता है। एंड आपको तो पता है कोई भी UPI एप्स देख लीजिए, उसमें जो आपका बैंक के साथ आपका UPI एप्स को लिंक करना पड़ता है, ऑटोमेट जेनरेट SMS भेजता है जो एप्स है, ये एप्स इसके लिए जो है आपका SMS चार्ज अप्लाई हो जाता है आपका मेन बैलेंस से। बट अभी आपका आउटगोइंग सर्विस नहीं रहने पर SMS, आप ये काम नहीं कर पाएंगे UPI जो है। इसके लिए आपको जो है 149 का रिचार्ज आपको मिनिमम करना पड़ेगा, उसका बाद जो है आप UPI एप्स में एक्टिव हो पाएंगे। तो किस तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप सोचिए, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एक UPI एप्स को एक्टिव करने के लिए।
यह जो है सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मुझको अभी तक देखने को मिला। इसका बारे में तो काफी सारा और भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा अलग अलग लोगों के लिए, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट मेरे लिए तो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कॉमन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम रहेगा। मैं इसलिए पहले ही बोला था एयरटेल एंड वोडाफोन का ये जो 79 वाला रिचार्ज है ना, ये कंप्लीट एक बेकार 32 वाला रिचार्ज है। SMS सर्विस को उठा देना मतलब जो है एक रिचार्ज आधा उधरा हो जाता है। 50% आपका फीचर दे रहे हो, 50% आप फीचर नहीं दे रहे हो, और जो बेसिक फीचर के अंदर रहता है वही फीचर को आप हटा दे रहे हो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या डिसीजन है, आपको क्या राय है, ये मेरा मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बोल सकते, गाली मत देकर दीजिए, मैं एग्री कर लूंगा, मैं कमेंट भी कर दूंगा। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग का वीडियो का लाइक टारगेट जो रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जानना बोलना है जो मैं पहले भी बोला कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलता रहेगा, हम लोगों की वीडियो चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।